हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय सब्सक्राइबर एंड पीपल ऑफ इंडिया। आप सभी लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं डालो इसमें पानी, डेली पानी तो भैया इसमें डेली चाहिए होता है, पानी तो डाल। हाय गाइस, माय नेम इज सचिन शेखर, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज वाइट। तो अभी क्या था हमारा काम कि कोई नहीं है इस घर में। मैंने जैसे ही बताया कि दीदी हमारे नए घर में चली गई है, अभी मैं अपने सिस्टर के साथ रहता हूँ, तो इस घर में कोई नहीं है। तो अभी यहाँ जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो पौधों में पानी डालना था जो कि मैंने डालूँगा अभी जाके। और दूसरे बात, खाने का जुगाड़ करना है। तो अभी दीदी आ रही है तो मैं वहीं बाहर जाके अभी वहाँ से खाना लूँगा और कुछ सामान उठाना है बाहर। पास में एक डेयरी है, डेयरी के पास उनकी गाड़ी रुकी हुई मेरी दीदी की, तो वहाँ से हमें ये उठाना है और शायद वो भी है, देखते हैं। चलो, जब घर पे कोई नहीं हो तो पौधों में पानी देना जो घर पे रह रहा हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलो थोड़ा पानी डाल दे। दूसरे वाले में मनी प्लांट में पानी देते रहो भाई, मनी बढ़ता है इससे, पैसे बहुत होते हैं। तीसरे पौधे में तुलसी, पैसे बहुत आएंगे इससे, पानी डालते रहो भैया, कोई नहीं घर पे। मास्क जरूर लगा लेने का, बाहर दूर भी जाओ तो मास्क जरूर लगा लो। देखो मास्क के बाद अपना चेहरा ही ढक गया, सारा सुंदरता, सारा हुसन का सुंदरता ही ढक गया अपना। की लगे ली दीदी खाना? नहीं, ऐसे रखता। की लगे ली खाना? ये छोले पूड़ी। तुम मेरे मेरे घर पे क्यों आया? तुम मेरे घर पे क्यों आए? मेरे घर से बाहर निकलो। खाने में क्या लेके आया मेरे लिए? फ्रेंड छोले पूड़ी आया तो वो खाया जाएगा। ये कचरा तो अभी तक नहीं फेंका है, आज इसको कूड़े वाली गाड़ी में डाल दिया जाएगा। अकेले रहने का ये भी होता है। गाइस आज खाने का इंतजाम हो गया है। देखो खाने में है छोले पूड़ी, क्योंकि दीदी आ गई थी उधर से, तो अपना खाने का इंतजाम आज हो गया। तो चलो खाना खाया जाए, नाश्ता खाना कुछ भी कह लो यार, अपना तो खाना ही होता है। अभी पौधे में पानी देना था क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैंने पानी डाल दिया उसमें प्रॉपर जितना पड़ना चाहिए था। मनी प्लांट था, मनी प्लांट वगैरह दो पौधे मनी प्लांट का है और एक तुलसी का, तीनों में पानी डाल दिया जितना पड़ना चाहिए। अभी क्या है, अभी मेरे को बाहर से जाके दूध लाना पड़ेगा क्योंकि मेरा भांजा आ गया इधर ही, और अभी शाम तक वो इधर ही रहेगा। कुछ काम है घर का ही, थोड़ा बहुत सामान ले जाना है तो उसके लिए वो इधर ही रहेगा। और उसको कुछ स्कूल से असाइनमेंट है तो वो भी पूरा करके अपने स्कूल भेजेगा, तो मेरे को बाहर से दूध लाना पड़ेगा उसके खाने पीने के लिए। तो चलो चलते हैं अभी बाहर, दूध लाना पड़ेगा और एक झंडा, एक फ्लैग इंडिया का, क्योंकि स्कूल से कुछ असाइनमेंट मिला है उसी के रिलेटेड, फ्लैग के रिलेटेड, तो उसके लिए भी उसको प्रिपेयर करना है। तो मुझे एक फ्लैग और दूध लेके आना पड़ेगा बाहर से। तो अभी चलो लेट्स गो। एक लीटर टोंड, कुछ इसको डालने के लिए मिल जाएंगे क्या? आप देखो पूरा मार्केट सुना पड़ा है, पहले जैसी मतलब चहल पहल नहीं रहती क्योंकि धीरे धीरे खुलता है आके, जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे मार्केट ओपन होता है। और थोड़ा COVID-19 का भी चक्कर रहता है कि मेरे को फ्लैग लेना है, तो फ्लैग लेने के लिए मैं कोई स्टेशनरी शॉप ढूंढ रहा हूँ। तो फ्लैग है क्या? एक फ्लैग चाहिए स्टेशनरी के शॉप में। मैं फ्लैग ले चुका हूँ और घर वापस जा रहा हूँ। बाहर से आ चुका हूँ वापस, मुझे दूध लेना था और एक फ्लैग लेना था अपने भांजी के लिए, क्योंकि स्कूल से असाइनमेंट है तो उसको कुछ करके देना है उससे रिलेटेड। और दूध लेके आ चुका हूँ, तो वो भी उसी के लिए, उसके खाने पीने का। मैं दूध वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है,
दूसरी चीज़, अब मेरे ऑफिस का टाइम काम करने का स्टार्ट हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस का काम स्टार्ट करने। लेट्स गो फॉर वर्क। थोड़ा आज का मौसम जान ले, क्योंकि आज वैसे भी गाज़ियाबाद में हमेशा गर्मी रहती है, चाहे बारिश हो या गर्मी हो। गर्मी में तो गर्मी रहती है, बारिश में भी गर्मी रहती है। बारिश में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, और गर्मी के टाइम पे, मेन गर्मी के टाइम पे हीट वेव ज़्यादा रहता है। उस कारण हीट के कारण गर्मी रहती है, अभी ह्यूमिडिटी के कारण ज़्यादा गर्मी रहती है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी नारियल खाने की तैयारी है, दो तीन दिन से रखा हुआ था, टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा था। तो टाइम था, तोड़ने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा आलसी आदमी तोड़ने में ही रह जाता है। तो अब इसको तोड़ते हैं भाई। नारियल को कहते हैं कि भाई, कहावत है इसके बारे में कि ऊपर से सत अंदर से ना, कहावत होता है, और वो नारियल का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। और भाई मेरे को तो ऊपर से भी सख्त रहता है, अंदर से भी सख्त ही दिखता है, बस कम सख्त दिखता है। तो अभी इसे तोड़ने का उपाय करते हैं, ताकि फल खाया जाए अंदर। यार मैं कितना मेहनती हूँ, दिन भर कितना सारा काम करता हूँ। अभी अभी मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हुआ, और आज के लिए ब्लॉग में इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के एक साथ, एक नई वीडियो के साथ। हमारी ये जो जर्नी आपके साथ फ्रेंडशिप करने की स्टार्ट हुई है, वो जारी रहेगी। लेकिन जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पर कमेंट भी कीजिए किस तरह की वीडियो है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।